close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Good morning, guys. I'm Deepak Sir, and welcome to my channel, Deepak Sir's Chemistry Zone. This time I'm here with the topic Perkins reaction. Yes. ये नेम रिएक्शन बहुत ही फेमस है फ्रॉम द कॉम्पिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में आपको मिलेगा आपको. ओके, एल्डिहाइड कीटोन जब पढ़ोगे दोस्तों तो उसमें एक होगा एल्डोल कंडेंसेशन, एक रिएक्शन जो एल्डिहाइड कीटोन देता है विच प्रोड्यूसेस एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली. सो पर्किंस कंडेंसेशन रिएक्शन इज सिमिलर टू एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. यहाँ पर एक एरोमेटिक एल्डिहाइड condenses with aliphatic acid anhydride in the presence of sodium or potassium salt of the same aliphatic acid to produce alpha beta unsaturated acid. This condensation reaction is known as Perkins reaction. Please don't wait for the school to reopen this chapter to be covered and then finally come after the entire thing. बिकॉज ऑर्गेनिक में आपको तरीका बदलना पड़ेगा पढ़ने का. आपने जान लिया ओके फाइन सुपर किस रिएक्शन किसके बारे में तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में. इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन. यू नो व्हाट इज द कंडेंसेशन रिएक्शन और कुछ बनता है क्या बनता है वो ध्यान देना है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है. ओके, सो गाइस हियर वी गो इन द डीप एसी. What is Perkins reaction? स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं Perkins reaction, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम aldehyde एंड कीटोन टॉपिक एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ओके, सो इट्स अ रिएक्शन गिवन बाय विलियम हेनरी Perkin. इसमें एरोमेटिक aldehyde एलिफेटिक एसिड एनहाइड्स कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्कली सॉल्ट ऑफ द सेम एसिड टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड. नाउ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इवन IIT के अंदर आया हुआ है. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कैन बी ऑब्टेन. कुछ क्वेश्चंस में रिएक्शन की कंडीशन पूछे थे कि दिस एरोमेटिक एल्डिहाइड विल कंबाइन विथ डैश. डैश मतलब तुम्हें ये ढूंढना था ऑप्शन में से कि एलिफेटिक एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड कौन सा है. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो यू कैन सी हियर गाइस दिस इज सिंपल एरोमेटिक एल्डिहाइड. और जो स्टूडेंट्स अभी 11 से 12 में आए हैं अगर वो इस रिएक्शन को अगर देख रहे हैं ओके, सो आपको ये सोचना नहीं कि आपका चैप्टर स्कूल में कभी ख़त्म होगा उसके बाद ही आप ये देखोगे. आप इतना समझ सकते हो कि ए बेंजाल्डिहाइड है, बेंजीन पे CHO ग्रुप, ए फिनाइल रिंग पे CHO लगा है, इट्स एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड दिस कंपाउंड इज एसिड एनहाइड्राइड, जो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सो दिस इज एसिड एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड है. ओके, इससे कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द सेम एसिड. इस एनहाइड्राइड में एसिड कौन सा है, दो कार्बन का एसिड है, दैट इज इथेनोइक एसिड. सो सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड है एट 473 केल्विन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप में आप उसको बॉयल करते हो. ओके, सो व्हाट इज ऑब्टेन, सिनामिक एसिड. रिमेंबर दिस इज अल्फा ए बीटा. ओके, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कहा जाता है एंड एसिडिक एसिड मिलता है. रिएक्शन दोस्तों बहुत ही सिंपल है. ओके, बस अब हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं. ओके फ्रेंड्स, नाउ विल अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन होता कैसे है. पहला कंडीशन कि इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, जैसे हमने लिया है बेंजाल्डिहाइड. इट कैन ऑल्सो बी सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल्डिहाइड्स, राइट. नाउ यहां पर आपको खास एक बात नोट करना है, दिस इज द एसिड एनहाइड्राइड विच मस्ट हैव एटलीस्ट टू अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स. दो अल्फा एच होने चाहिए. अल्फा एच का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ की बाजू में जो कार्बन है उस पर कम से कम दो हाइड्रोजन होने चाहिए, कम से कम. जैसे इस केस में तीन है, यहां पर भी तीन है. ओके, कोई भी साइड से हम रेट करवा सकते थे. तो रिमेंबर
the alpha carbon must have two alpha hydrogen. Now, how does the reaction occur? Look here. तो ये first step है, step one. So, जो हम sodium या potassium salt of the acid लेते हैं, it ionizes to form acetate ion NH plus ion. Clear? अब ये क्या होता है कि this is a base ion. तो base ion will definitely extract one H plus. Okay? This will extract one H plus. Because this is acidic hydrogen. C double bond O के बाजू में जो कार्बन होता है दैट इज अल्फा कार्बन, इस पर तीन एच है, इसको बोलते हैं अल्फा एच. दिस अल्फा एच आर एसिडिक इन नेचर. वाई? बिकॉज ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप. ओके, सो यहाँ पर ई एच जाएगा, सो एसिडिक एसिड विल बी रिमूव्ड. ओके, एंड वॉट इज ऑप्टेन इज एन एन आयन, अ नेगेटिव आयन इज ऑप्टेंड. रिमेंबर, तो इसका इंटरमीडिएट क्या होता है, एक एन आयन, कार्बन आयन होता है. नाउ विल सी दिस साइड व्हाट हैपेंस. अब ये जो कार्ब एन आयन बना फ्रेंड्स, ये कार्बन आयन स्टेबल है. कैसे? बिकॉज ऑफ दिस टू रेजोनेटिंग फॉर्म्स. ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देगा तो यहाँ बनता डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ओ के पास जाएगा. सो बिकॉज ऑफ द माइनस R effect, okay, that is the electron withdrawing from the carbonyl oxygen. यहाँ पर बनता है double bond. So this ion, N ion is stabilized. So this is the anhydride anion, we can say, okay ना, because an acid anhydride है और इस पर minus charge है यहाँ पर. So this is stabilized by resonance. Remember, intermediate अगर stabilize होगा वही reaction mechanism फॉलो होगा. रिमेंबर, अगर इंटरमीडिएट अनस्टेबल है तो वो रिएक्शन नहीं होगा बाय दैट मैकेनिज्म, इस बात को आप भूलना मत. तो यहाँ पर एनायन बनता है एंड इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. नाउ स्टेप टू में क्या होता है, तो बेंजाल्डिहाइड पर यही एनायन विच इज बेसिकली नाउ अ न्यूक्लियोफाइल, सो इट्स अ न्यूक्लियोफाइल विच अटैक्स द कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड कार्बन ही बॉन्ड हियर. यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप ये है सी डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ये अटैक करेगा. एंड व्हाट हैपेंस, दिस इज द नाउ एनायन फॉर्म्ड. ओके, यहाँ पर ये ई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ओ के ऊपर और ये इस पर अटैक करेगा. सो दिस इज बेसिकली द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बन. ओके, अब ओ पर आ गया माइनस चार्ज. क्लियर? तो अब अगले स्टेप में क्या होता है, तो स्टेप नंबर थ्री विल सी. स्टेप टू में आपने देखा था कि एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड का जो एनायन बना था दैट अटैक द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द बेंजाल्डिहाइड और एक बड़ा बनता है एनायन. ओके, नाउ दिस रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड एंड दिस गिव्स वन प्रोटॉन टू द ऑक्सीजन एटम, तो ये बन जाएगा OH और ये एसिटेट आयन निकल गया. क्लियर? नाउ इन द फाइनल स्टेप व्हाट हैपेंस, फाइनल स्टेप के अंदर यू कैन सी हियर व्हाट हैपेंस. एक्चुअली एसिटेट आयन जो है दैट एलिमिनेट्स वन प्रोटॉन फ्रॉम द अल्फा कार्बन. ये अल्फा कार्बन इस पर दो एच था तो ये एच इसके साथ जाएगा, एसिडिक एसिड बन के निकल गया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देगा और ये ओ एच आयन विल बी रिमूव्ड एज ओ एच आयन. सो यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड. क्लियर? और यही जब तुम करोगे हाइड्रोलिसिस करोगे तो ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस यहाँ का बॉन्ड टूटता है. वाटर ब्रेक्स द बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में ओ एच जाएगा. ओके, और यहाँ पे ओ के साथ में एच जाएगा तो क्या बनेगा, सी एच थ्री सी ओ ओ एच एंड ए बनेगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. सो दिस हाउ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इज फॉर्म्ड. सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म पार्ट ऑफ परकिंस रिएक्शन. ओके फ्रेंड्स, नाउ विल सी सम एग्जाम्पल्स विच हैज बीन आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. IIT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था. यू कैन सी दिस सब्सट्रेट, आपको यही पहचानना है रिएक्शन. आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ओके, और आप बोल भी जाओगे अगर आपने सही ढंग से उसे एसोसिएट करके नहीं पढ़ा. ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, यहाँ ग्रुप लगा हुआ है. ओके, ये एक्स अननोन पूछा है और ये है सोडियम एसीटेट, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ
इथेनोइक एसिड एंड इट गिव्स रिंग पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। तुरंत इसको देखते ही मालूम पड़ना चाहिए कि ये सिनामिक एसिड है, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड एंड दिस इज पर्किंस रिएक्शन। तो एक्स पूछा है एक्स क्या होगा, तो यू नो कि बेंजाल्डिहाइड किससे कंबाइन करता है, इथेनोइक एसिड के एनहाइड्राइड से। यहाँ पे जो एसिड होता है ना उसी एसिड का एनहाइड्राइड फॉर्म, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन ए में एसिडिक एसिड है वो तो होने से रहा, दूसरा है ब्रोमो एसिडिक एसिड, तीसरा है CH3CO2ISO। ऑफकोर्स आंसर इज दिस, ओके। सो यू मस्ट ट्राई टू एसोसिएट द क्वेश्चन, क्लियर। दिस वॉज ऑफ IIT 2005। नाउ विल सी क्वेश्चन आज इन ओरिसा JEE 2003। यह क्वेश्चन है कि सिनामिक एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन C6H5CHO, दिस इज बेंजाल्डिहाइड, कंडेंसेस विथ एनहाइड्राइड CH3CO2ISO इज इन प्रेजेंस ऑफ डैश। वो डैश क्या है, तो यू शुड नो सोडियम सॉल्ट ऑफ द सेम एसिड, दैट इज सोडियम एसिटेट, ओके। सो गाइस दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, और भी कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहां पे आपको पहचानना था कि व्हाट इज द सब्सट्रेट, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन, ओके। और क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है जो अब मैं देने वाला हूं फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एग्जाम्स के अंदर, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स पर्किंस रिएक्शन। मतलब इनमें से सबसे अच्छा पर्किंस रिएक्शन कौन देगा, ओके। ये बेंजाल्डिहाइड है, ये पैरामिथाइल बेंजाल्डिहाइड है, ये पैरानाइट्रो बेंजाल्डिहाइड है और पैरामिथॉक्सी ग्रुप है। दोस्तों यहाँ पर आपको काम आना चाहिए आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल्स, और मैंने सभी डिस्कस किए हुए हैं GOC के अलग अलग लेक्चर्स में, ओके। जिसमें हमने हाइपर कंजुगेशन बात किया था, प्लस आई प्लस आर यू नो माइनस आर माइनस आई फेट, और उनका असर स्टेबिलिटी ऑफ आयंस पे। मैंने कहा था एक बात कि कोई भी रिएक्शन के अंदर इंटरमीड क्या बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो कितना स्टेबल होता है, अगर स्टेबल नहीं हो पाया तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होगा या बहुत ही स्लो होगा। इज इट क्लियर। सो हियर यू नो दैट कि हमारे पर्किंस रिएक्शन के अंदर एनायन बनता है इंटरमीडिएट, ओके एनायन। तो एनायन को कौन करेगा स्टेबल, वी नो दैट एनायन को स्टेबल करता है, एनायंस को स्टेबल, दिस इज एनायन फॉर्म यू कैन सी। तो एनायन को स्टेबल कौन करेगा, यू नो दिस थिंग माइनस आई माइनस आर, दीज आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, दे विल स्टेबलाइज एनायन एनायन एंड प्लस आर, ओके एंड हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, सो दे विल डीस्टेबलाइज द आयन, दैट इज द एनायन। इतना हमने ये पढ़ा था, रिमेंबर दिस थिंग। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो सेकेंड में है नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आर एन माइनस आई, इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें है। यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं है, मिथाइल हैज़ अ प्लस आई एन हाइपर कंजुगेशन रिमेंबर, एंड मिथॉक्सी में प्लस आर होता है बहुत ही डोमिनेंट, और माइनस आई होता है ड्यू टू द ऑक्सीजन। सो ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर का जो काम करेगा वो कौन करेगा, नाइट्रो वाला। सो सबसे बेटर कौन देगा, पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो के बाद फिर कौन आएगा, ऑफकोर्स बेंजाल्डिहाइड आएगा, क्योंकि ये दो में तो कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कम कर देंगे इसके कंपेरिजन के अंदर। तो सबसे पहले टू, सो हमारा ऑर्डर क्या होगा, टू ग्रेटर देन ओके वन, टू ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन थ्री एंड ग्रेटर देन फोर। सो दिस इज द ऑर्डर इन विच दे विल रिएक्ट। यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन डियर वंस अगेन, NO2 में माइनस आर और माइनस आई, और हमें पता है कि NIN को ज़्यादा स्टेबलाइज माइनस आर और माइनस आई करेगा, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है NO2 में। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
है मिथाइल एंड मिथॉक्सी, यहाँ पे ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्लस आर और यहाँ पे ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन प्लस आई, तो ये दोनों तो इससे कम ही देंगे. ओके, तो इसके बाद आएगा ये वाला, तो टू के बाद वन, वन के बाद थ्री, बिकॉज प्लस आर इज स्ट्रॉन्गर देन प्लस आई. ओके, एंड हाइपर कंजुगेशन, तो सबसे कम कौन देगा? फोर्थ वाला. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माई डियर फ्रेंड्स. सो आई होप यू गॉट द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर आस्क्ड फ्रॉम Perkins reaction. So guys, I hope you got it. The what is Perkins reaction all about? इसमें एक aromatic aldehyde होता है, वो एक anhydride, that is aliphatic anhydride से combine करता है और उसमें कम से कम दो alpha H होने चाहिए, alpha hydrogen atoms होने चाहिए. This reaction occurs in the presence of what? Sodium or potassium salt of the same carboxylic acid. Clear? And ultimately on hydrolysis we get what? Alpha, beta and saturated product. और ये बात नोट करना कि बेंजाल्डिहाइड सिस्टम या जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, जैसे प्लस आई प्लस आर, उतना स्लो रिएक्शन होगा, नहीं देगा जल्दी, बिकॉज हमारा इंटरमीडिएट क्या बनता है रिएक्शन में? एन आई एन बनता है. तो इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होगा उतना ही वो बेटर Perkins reaction dega. Hope you got it guys. So I'll be coming again with you, I mean with different kind of the reactions, different name reactions, the reagents, you know, mechanism of the reaction, organic section ke andar. Till then, goodbye. And yes, please do like, share and subscribe my channel. See you.